आपको अगर बहनों का सम्मान करना तो मणिपुर जाइए आप। मणिपुर में हमारी बहनों के साथ आज भी आदिवासियों का जमीन आपने हड़प लिया, वहाँ के लोगों ने आदिवासियों को ददर ठोकर आप खा रहा है मेरा आदिवासी। मैया सम्मान योजना जो शुरू किया है ना, इससे हम लोग को बहुत मदद मिला। जैसे कि अपने से कोई खर्च उठा सकते हैं, मतलब दो पैसा हम लोग का हाथ में आया। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में चली गई तो एक बहुत बड़ा एक उथल पुथल पूरा झारखंड में देखे हैं उन लोगों ने, और उसे समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आप सब समझ चुके हैं। झारखंड के जामतारा में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार इरफान अंसारी फेवरेट बताए जा रहे हैं। इसका सबसे पहला कारण तो ये है कि जामतारा देश के उन विधानसभा क्षेत्रों में शामिल है जहां आज भी कांग्रेस पार्टी के टिकट का मतलब जीत की संभावना मानी जाती है। साल 1995 से लेके अभी तक यानी साल 2024 तक कांग्रेस पार्टी ने 6 में से 4 बार ये सीट जीती है। नमस्कार, मैं हूँ चित्रता सान्याल और मैं भी भारत की टीम आज जमतारा में है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कॉन्टेस्ट होने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे JMM कांग्रेस के तरफ से प्रत्याशी हैं इरफान अंसारी जी, और उनके विपक्ष में हैं BJP के सीता सोरेन जी। सीता सोरेन सोरेन परिवार से ज़रूर है, और इस बार वो BJP के टिकट से यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं। ये जमतारा सीट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग सीट है। यहाँ पे 75,000 से भी ज़्यादा वोटर आदिवासी समुदाय के हैं और 83,000 से भी ज़्यादा वोटर मुसलमान हैं। क्या नाम है आपका? अबिता मरांडी। अबिता, अबिता जी हाँ, अबिता मरांडी। अबिता, ये बताइए कि यहाँ चुनाव होने वाले हैं, एक तरफ है इरफान जी, दूसरी तरफ है सीता सोरेन जी BJP से जी, तो आपको क्या लगता है कि किसको वोट करना चाहिए? मैम, हमको तो लगता है कि विधायक इरफान अंसारी को ही देना है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि हम लोग का जो था बिजली बिल वगैरह माफ़ किया या ऊपर से हुआ, जैसे महिला का मतलब महिला तो गांव की महिला बेरोजगार ही होती है, वो तो बस घर में चूल्हा चौका करना, और किसी का अगर हस्बैंड नहीं है तो वो बस अपना जैसे हस्बैंड करता वैसे करता है। लेकिन ये जो मैया सम्मान योजना जो शुरू किया है ना, इससे हम लोग को बहुत मदद मिला। जैसे कि अपने से कोई खर्च उठा सकते हैं, मतलब दो पैसा हम लोग का हाथ में आया। इतना ही। एक चीज़ बताइए कि सीता सोरेन, वो सोरेन परिवार से हैं और महिला हैं, BJP के टिकट से लड़ भी रही हैं, तो उन्हें क्यों नहीं? मैम देखिए, उसका सास ससुर है, जैसे कि देखिए कल्पना सोरेन भी उसी का फैमिली से ही आती है, तो देखिए वो जो है हो सके तो दोनों बहनें ही है, वो एक बाप का बेटी है, लेकिन क्या है ना, वो अपना फैमिली को छोड़ कर के जो चली गई तो क्या वो हम लोग के लिए भला सोच सकती है? बस यही विचार है कि उसको देने से मतलब हम लोग गलत करेंगे, और इरफान जी को देंगे तो मतलब हम लोग सही करेंगे। क्या नाम है आपका? समीना खान। समीना जी, ये बताओ कि आप वोट देती हो? जी हाँ। क्या सोच के वोट देती हो? यही सोच के देते हैं जो देश के लिए अच्छा होगा, यही सोच के देते हैं। तो इस बार वोट जब देने जाओगी तो क्या दिमाग में होगा आपका? जो मेरा दिमाग में होगा वो अपने मन में ही रखेंगे, और मन में रख के अपना अच्छा सोच के वोट देंगे। क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि देश का भला हो, गरीबों का रोजगार मिले, और कुछ नहीं। क्या आपको लगता है कि JMM और कांग्रेस जो मिलके लड़ रहे हैं, क्या वो भलाई करेंगे? जी हाँ, लगता है कि भलाई करेंगे। किस लिए, कैसे? हम महिलाओं को पहले कोई भी नेता सम्मान पहले नहीं किया है, अब हम लोग को सम्मान मिला है, इसीलिए हमको लगता है कि देश में अब भलाई होगा। कैसा सम्मान? वही महिला सम्मान जो मिला है, अभी मैया सम्मान योजना का जो 1,000 करके दिया है, अब मतलब TV मोबाइल में दिया है कि दिसंबर महीना से 2500 करके मिलेगा, तो क्या हम लोग का महिला को अगर 1 महीना में 1,000 मिल जाए तो हम लोग को बहुत हेल्प होता है, इसीलिए हम लोग को लगता है कि अब देश में भलाई होगा और हम गरीबों के साथ अच्छा ही होगा। तो BJP की जो सीता सोरेन है वो भी कह रही हैं कि वो अगर BJP की अगर सत्ता बन जाए तो वो भी भलाई करेंगे।
बन जाए वो बन गया है और बन जाने में बहुत फर्क है। हम लोग जानते हैं कि अभी बन गया है, बाद में बन जाएगा वो तो बहुत दूर में है ना, जो मिल रहा है वही अच्छा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार जामतारा में 2,77,000 मतदाता है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार इरफान अंसारी ने 38,741 वोटों के अंतर से ये सीट जीती थी। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार वीरेंद्र मंडल को हराया था। बीजेपी के उम्मीदवार को यहां पर 74,000 वोट मिले थे। ये सीट सामान्य श्रेणी में आती है, लेकिन इस सीट पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक माने जाते हैं। जामतारा में अनुसूचित जाति मतदाताओं की संख्या लगभग 20,000 से ज़्यादा है, अनुसूचित जनजाति मतदाताओं की संख्या 75,000 से ज़्यादा है और मुस्लिम वोटर्स की संख्या 83,000 से ज़्यादा है। इरफान जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट होने वाला है इस बार जामतारा में। एक तरफ आप हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के तरफ से सोरेन परिवार की सीता सोरेन जी हैं। किस तरह का कॉन्टेस्ट मान रहे हैं आप इसको? देखिए, हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं है। भाजपा का जो बुरा हाल होगा वो आपको देखने को मिलेगा। मीडिया में भाजपा है, ठीक है, और भाजपा जिस तरह से अपने जो प्रत्याशी को पेश कर रहा है, वो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि दिल्ली में भाजपा का कैंडिडेट है, लेकिन ग्राउंड में आप नहीं हैं। ग्राउंड में इरफान अंसारी है। मैंने काम किया है, मेरे फादर फुरकान साहब 32 साल सेवा दिया है, मैं 10 साल से लगातार दो टर्म का विधायक हूँ। आज विकास की आंधी बह रही है, विकास के साथ साथ जनता के सुख दुख में हमेशा साथ दे रहे हैं। अब बोरो प्लेयर ला के सोचिएगा कि नहीं, इरफान अंसारी का जो है जमीन को हिला देंगे, कोई माइक लाल पैदा नहीं हुआ है कि इरफान अंसारी हिला। इरफान जी, ये भी सुनने को मिल रहा है और हम देख रहे हैं कि लगातार झारखंड के प्रचार में आके अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी जी हो, बार बार ये कह रही है कि झारखंड में मुसलमान के घुसपैठ, बांग्लादेशियों का घुसपैठ हुई है और जेएमएम उनको इस्तेमाल कर रही है, क्या ये सच है? देखिए, झारखंड में कहीं कोई बांग्लादेशी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जो बांग्ला बोल रहे हैं, ठीक है, मुस्लिम बांग्ला बोलते हैं, यार ये कल्चर है हमारा। जी बिल्कुल, नॉट ओनली मुस्लिम, हमारे आदिवासी भी बांग्ला बोलते हैं, दलित भाई, यादव भाई जो यहाँ बसे हैं सारे लोग बांग्ला जानते हैं। तो इसका मतलब क्या, वो बांग्लादेशी हो गए? बेवजह आप तमाशा बना रहे हैं। एक प्रधानमंत्री अगर मान लीजिए जुरिया में जाए, पुलिया में जाए, क्या वेट बन गया है आपका? ये मजाक नहीं तो क्या है? आप देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, आज ये नौबत आ गई आपका कि वार्ड में आप जाके सभा कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को हटा दीजिएगा यहाँ से? क्या है हिम्मत आप लोगों का? अब प्रधानमंत्री बताइए, मेरे बारे में भी टिप्पणी कर रहे थे कल, मधुपुर, मैं वहाँ, मेरे फादर का घर है वहाँ मधुपुर से किनारे, बताइए, छोटा सा एक सब डिवीजन है मधुपुर, वहाँ पर पूरा मोरा है प्रधानमंत्री जी का, और वहाँ पर इरफान अंसारी कोर्ट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के मुँह से मेरे बारे में बताया जा रहा है कि अपशब्द कहा। प्रधानमंत्री जी, आईटी सेल आपका है, ठीक है ना, आप लोग सेट कर लीजिए कौन क्या बोला नहीं बोला, और प्रधानमंत्री बयान देंगे। इतनी हल्की बयान एक प्रधानमंत्री को, ये टोटली हम कहते हैं कि ये अशोभनीय है, जनता देख रही है। वाई वेर मोदी जी, वेर योर थॉट? क्या आप, आपको अगर बहनों का सम्मान करना तो मणिपुर जाइए आप। मणिपुर में हमारी बहनों के साथ आज भी आदिवासियों का जमीन आपने हड़प लिया, वहाँ के लोगों ने आदिवासियों को ददर ठोकर आप खा रहा है। मेरा आदिवासी बहनों के साथ एकदम रेप किया जा रहा है, आए दिन रेप ही नहीं, बलात्कार ही नहीं, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, शरीर को नोचा जा रहा है, और आप जहाँ वहाँ नहीं रहे, और यहाँ के आप बहुत महिलाओं के हितैषी बन रहे हैं। आप वहाँ राहुल गांधी जी गए, राहुल गांधी जी को थ्रेट मिला, फिर भी राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमारे आदिवासी पर जुल्म हो रहा है, मैं वहाँ जाऊँगा। राहुल गांधी जी जाते हैं वहाँ, बचाते हैं सम्मान में और पक्ष में बयान देते हैं। तो ये हमारी पार्टी है, ये हमारा संस्कार है, ये हमारा कल्चर है।
सभी धर्मों का सम्मान हम लोग करते हैं, सबको लेके चलते हैं। चंपई सुरेन जी आज जमतारा आ रहे हैं, सीता सुरेन के समर्थन में भाषण भी कर रहे हैं, सभा भी हो रही है, तो कितना सीता सुरेन या चंपई सुरेन आदिवासी वोटर्स को बीजेपी की तरफ खींच पाएगी, क्या आपको लगता है? देखिए, मैं छोटी मुंह बड़ी बात कहूँगा, चंपई सुरेन जो जो भाजपा में गए हैं वो सुरेन परिवार के साथ धोखा दिया उसने, गद्दारी किया उसने, जनता देख रही है ना। जब हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के साथ प्रॉब्लम था, कष्ट में थे मेरा सोरेन परिवार, उस समय हेमंत सोरेन जी को जब घर से भाजपा उठा के जेल में भर रही थी, तब हम लोग वहीं पे थे, उनके आवास में बैठक चल रही थी, मैं भी वहाँ का हिस्सा था। एक हेमंत जी आते हैं, उनका चिट्ठा आता है, उनके लोग कहते हैं, हम लोग शौक में रह गए, हम लोग कि जेल तो क्यों जाएंगे, क्या क्राइम क्या किया है, हेमंत जी जेल चले जाएंगे? लेकिन हेमंत जी खड़े होकर बोलते हैं कि मुझे भाजपा जेल में भरने जा रही है, मैं अपना जो राजपाट है मैं ना बसंत जी को दे रहा हूँ, ना अपनी पत्नी कल्पना भाभी जी को दे रहा हूँ, ना मैं इरफान अंसारी को दे रहा हूँ, मैं ये राजपाट जो है मैं चंपई सोरेन जी को सौंप रहा हूँ, आप लोग तमाम विधायक जो हैं इनको मदद कीजिएगा, चंपई सोरेन जी को सपोर्ट कीजिएगा जी। उन्होंने कहा, सर इतना बड़ा दिल आपने दिखाया है, आप चाहते तो हेमंत बसंत सोरेन जी को बना सकते थे, अपनी पत्नी को बना सकते थे, या हम लोग किसी को बना सकते थे, आपने ऐसा नहीं करके आपने चंपई सोरेन जी पर विश्वास किया। हम लोग कहे, सर आपका एक एक बात हम लोग फॉलो करेंगे, आप जो कुछ कहे हम लोग मानेंगे सर, और चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, बताइए। और आपने पीठ में छुरा भोंक दिया, ये तो आदिवासी समाज पर छुरा भोंकने का काम किया आपने। जामतारा सीट पर 80% से अधिक मतदाता ग्रामीण हैं, इस लिहाज से यहाँ पर कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन मजबूत हो जाता है, लेकिन ये बात भी ध्यान रखी जानी चाहिए कि यहाँ पर बीजेपी भी करीब करीब 75,000 वोट लेती आ रही है, और इस बार पार्टी ने एक नया दांव चला है। बीजेपी ने यहाँ पर सीता सुरेन को चुनाव मैदान में उतारा है। सीता सुरेन शिबू सुरेन की बड़ी बहू है और संथाल आदिवासी समुदाय से है। अगर सीता सुरेन आदिवासी वोटों में कुछ हिस्सा हासिल कर पाती है तो बीजेपी की रणनीति काम कर सकती है। सीता सुरेन जी, आपको ये नया कॉन्स्टिट्यूएंसी मिला है, आपका जो पुराना कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से आपको यहाँ टिकट मिला है इस बार बीजेपी से, तो क्या माहौल है आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में? देखिए, अगर नए कॉन्स्टिट्यूएंसी हमको मिला ही है, लेकिन यहाँ पर जो माहौल है बहुत ज़बरदस्त है, लोगों में जो रुझान है वो पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे ही यहाँ पर भी है, क्योंकि मेरे साथ जो लोगों का जुड़ाव है वो नई नहीं है, बहुत पुराने से, क्यों मेरे ससुर जी यहीं से ही आंदोलन शुरू किए थे, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी भी वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, पूरा झारखंड में आम लोगों के लिए, सभी समुदाय के लिए बहुत कुछ काम कर चुके हैं, तो इसीलिए मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। आपका मुकाबला जो है वो मिनिस्टर हैं, कई बार जीत चुके हैं, अंसारी जी, इरफान अंसारी जी, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आप शुरुआती बहुत एक हैवी वेट कैंडिडेट के खिलाफ लड़ेंगे? देखिए, हैवी वेट कैंडिडेट वो कहीं से भी नहीं है, उनको जो बनाए हैं वो भी हम ही लोग ही बनाए हैं, ठीक है ना, तो कहीं से भी कुछ ऐसे हैवी वेट नहीं है, और जो उनका छवि है आज का डेट में पूरे तरह से बिगड़ चुका है, और शुरुआती तौर से ही जो उसका छवि है सबको जानते ही है, यहाँ तो जमतारा विधानसभा में तो मानो उसने सब पर अत्याचार ही कर करके रखा हो, सभी लोगों से हम उनका जो फीडबैक है हमको जो मिल रहा है बहुत मतलब ख़राब फीडबैक मिल रहा है, सबसे ज़्यादा तो हमारे समुदाय के लोगों को उन्होंने एक तरह से इतना ज़्यादा मतलब ये करके रखे हैं, मतलब खौफ और मतलब जो बोलते हैं हमारे समुदाय के लोग अभी खौफनाक ये में ही गुजर रहे हैं, क्योंकि हम उनसे मिल रहे हैं तो वो लोग
जो दूसरे विधानसभा से हमारे जो समुदाय के लोग से मिलते हैं, यहाँ पर कुछ अलग ही है। तो हमको देखने के लिए मिला है भाई ऐसे क्यों है, बहुत कोई बताए कि नहीं उनका जो अंसारी का जो टॉर्चर है पूरे तरह से हमारे समुदाय में है, बहुत टॉर्चर करते हैं। आप बीजेपी की कैंडिडेट हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता अमित शाह जी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, कैंपेन में झारखंड में कई बार मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात किया है। आपके इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 82,000 से भी ज़्यादा मुसलमान लोग हैं, आपको क्यों लगता है कि उनका वोट या समर्थन आपको मिलेगा? देखिए पहले तो हम 15 साल तक हम पार्टी जय में, ये मेरा घर का पार्टी भी है, स्वर्गीय दुर्गा सुरन जी का बनाया हुआ है सब कुछ, और हम लोग सभी समुदाय को लेकर के चले हैं। तो उनके बीच में जो मेरा मेरे पतिदेव से जो हो, हमसे भी जो हो, हमने भी बहुत कुछ उनके साथ काम किए हैं, बहुत किसी को मदद किए हैं, और तो पुराने जो हमारा लगाव है वो है, इसीलिए लगना क्या मेरे साथ आज जितना इरफान अंसारी के साथ नहीं खड़े हैं उस समुदाय के लोग मेरे साथ खड़े हैं, तो इसीलिए और दिल से मेरे साथ खड़े हुए हैं, तो उनका तो मेरा समर्थन है। मेरे काफ़ी आदिवासी लोगों से आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये बात हुई, कहीं ना कहीं लोग थोड़े से नाराज़ दिख रहे हैं क्योंकि आपने अपना परिवार छोड़ दिया है और आपने बिल्कुल उनके अगेंस्ट में जो पार्टी है बीजेपी, उस बीजेपी के टिकट पे आप लड़ रही हैं, क्या आपको ये फेस करना पड़ रहा है? देखिए उनको मेरे समुदाय के लोगों को थोड़ा सा समझने में, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में चली गई तो एक बहुत बड़ा एक उथल पुथल पूरा झारखंड में देखे उन लोगों ने, और उसे समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आप सब समझ चुके हैं कि परिवार एक चीज़ ऐसा है जो मान लीजिए माँ बाप तो एक होते हैं, लेकिन जो बच्चों में जो कुछ हो जाता है तो वो सारे परिवार में होता है, इन्हीं की एक ये नई चीज़ नहीं है, अभी सब समझ चुके हैं। पार्टी अलग चीज़ है, परिवार तो मेरा वही है, वही सास ससुर वही घर परिवार, तो सब तो समझ चुकी, इसका कोई ये नहीं है। वो लोग सब देख रहे हैं कि अब उनके जगह पर हम पहुँचे हैं, गुरुजी के घर की और सबसे बड़े बेटे की मतलब बहू, तो उस रूप में हमको देख रहे हैं, और हम उनके मतलब आने वाले दिनों में चाहे विधायक बन जाने के बाद हम उनके लिए क्या करते हैं वो चीज़ उन लोग। क्या आपको कभी लगता है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आने के बाद कि अगर आपकी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी जामा रहती तो आपका आप बेहतर कर पाती? देखिए बेहतर वाला कुछ ऐसे बात नहीं है, जो मैंने वहाँ किया है वहाँ से हम पुराने मतलब एक वो सबसे ज़्यादा लगाव, अभी भी लोग वहाँ से हमको कॉल करते हैं आप हमको छोड़ के क्यों चले गए, तो हम कहते हैं भाई हम छोड़े नहीं हैं, यहाँ पर है तो फिर भी आप लोगों को उतना ही देखेंगे जैसे पहले देख रहे थे, तो ऐसे कोई ये नहीं है, हम तो कहीं से भी पर अगर जामा मिलता तो शायद आपको थोड़ा सा एडवांटेज होता, ऐसा लगता है? नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, यहाँ भी पूरा एडवांटेज है, वहाँ तो है, हम कहीं से भी खड़े हो जाएं हमको एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। चंपई सुरेन जी क्यों नहीं आया आज? नहीं वो तो आ चुके हैं, उनका हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, गांधी मैदान में प्रोग्राम होने वाली है, तो बस अभी जस्ट पहुँचे ही है, वहीं हम भी निकलने वाले थे। शुक्रिया। लेकिन ऐसा लगता है सीता सुरेन की ये राह आसान नहीं है। सीता सुरेन के समर्थन में जामतारा में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। इस जनसभा को संबोधित करने चंपई सुरेन आने वाले थे, लेकिन जनसभा में इतने कम लोग पहुंचे कि चंपई सुरेन ने जनसभा में आने से ही मना कर दिया। इस तरह की रिपोर्ट भी मिल रही है कि जामतारा में वीरेंद्र मंडल का टिकट काटे जाने से बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता सुस्त हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद सीता सुरेन को लड़ाई से बाहर नहीं बताया जा सकता है। हाँ उनके लिए कुछ मुश्किलें जरूर नजर आ रही हैं।